नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबरों पर नजर परिवार में। और आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नेमावर थाना प्रभारी वास्कले की नदी में डूबने से मौत, बहते शव को निकलने नदी में लगाई थी छलांग, बहाव तेज होने से डूब गए। देवास, रविवार को देवास जिले के अंतिम छोर पर बसे नेमावर थाना क्षेत्र की जामनेर नदी में डूबने से नेमावर टीआई राजाराम वास्कले की मौत हो गई। बताया जाता है कि जामनेर नदी में एक शव बहता दिखने की सूचना मिलने पर उसे निकालने के लिए नेमावर थाने के टीआई राजाराम वास्कले ने रविवार दोपहर नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने शव को पकड़ भी लिया था, लेकिन पानी गहरा व बहाव तेज होने से वो डूब गए। आसपास मौजूद जवानों व स्थानीय तैराकों की मदद से उनको निकाला गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेमावर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करके गंभीर हालत में हरदा रेफर कर दिया गया। हरदा के निजी अस्पताल में उनको बचाने के काफी प्रयास किए गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वास्कले मूल रूप से बड़वानी जिले के रहने वाले थे। देवास जिले में वह सालों से पदस्थ थे और अलग अलग थाना क्षेत्रों में रह चुके थे। नेमावर के पहले उनको उदेगा थाने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। परिवार में पत्नी व एक बेटा है। बहुत दुखद घटना हुई। हमारे टीआई श्री राजाराम वास्कले, जो बड़वानी जिले के ही कोइडिया राजपुर के निवासी थे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक शव को निकालने नदी में कूदे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भंवर में फंस गए और हमारे बीच नहीं रहे। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनकी पत्नी, दो बच्चे, 4 साल का बेटा और 2 महीने की बेटी है। अब वो मेरा परिवार है। हमारे ऐसे बहादुर साथी राजा राम के चरणों में मैं श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी कर्तव्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया। उनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा और उस परिवार का, छोटे छोटे मासूम बच्चों का और हमारी बहन का हम सदैव ध्यान रखेंगे। उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार के साथ हम खड़े हैं। मैं स्वर्गीय राजा राम जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ
कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसमें राज्य शासन की तरफ से राज्य सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल जाएंगे। मैं एक बार राजा राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ।